कमेंट है? हाँ भैया, ये कोई तरीका पूछने का? इतनी दूर से आगे बैठो। डर आपसे एक बात करनी थी। करो ना मेरे। वो जो हमारे घर के पास एक प्लेग्राउंड है ना, जिसमें मैं बचपन में खेला करता था, वो खरीद लिया क्या आपने? अरे बेटा, तू बस ये समझ के गोल्ड माइन है वो, उसके ऊपर सारी दुनिया की नजर, वो बड़े बड़े महारथियों की नजर, और इतना बड़ा टफ कंपटीशन के पूछ मत। और उसको तेरे पापा ने बस कर लिया अपने कब्जे में, सारा संसार उसके पीछे लगा हुआ था। अभी देखना तू बेटा, इतने बड़े 3 टावर बनेंगे वहां पे। ये है उस जगह का नक्शा, यहां पे आ रहा है ईशान कोण, ये यहां से एंट्री होगी, नॉर्थ ईस्ट ये कॉर्नर ईशान्य कोण, और ये है अग्नय स्थान, ये वायव्य कोण। पर डैड, आपको कोई और मतलब हमारा मतलब वो प्लेग्राउंड अगर आपको क्या क्या तुम्हारा क्या डैड वो बच्चे वहां पे खेलते हैं? बच्चे सारे हिंदुस्तान के बच्चे सड़क पे खेलते हैं, ये भी खेलेंगे, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है डैड? पर वो सड़क उसमें खेल रहा था डैड। तो तुम खेल चुके हैं ना, तुम्हारा अब खेलने का काम थोड़ी है, अब तो तुमको तुम्हारा बिजनेसमैन बनने का काम आ गया। इसका काम तुम करोगे, दिन रात इसकी देखभाल, इसका सब कुछ तुम्हें करना। पर डैडी, ये प्लेग्राउंड जरूरी है मतलब? बिल्कुल जरूरी है। देखो बेटा, बड़ी ध्यान से बात सुनते, इस प्लेग्राउंड के पीछे इतने बिल्डर्स पड़े हुए थे, ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये बहुत सेंटर ऑफ द सिटी में है, नंबर वन। नंबर टू, इसके पीछे इतने मिनिस्टर्स का आशीर्वाद है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आशीर्वाद है, ऑफिसर्स का आशीर्वाद है, और कंपटीशन सामने ऐसा है कि कट थ्रोट कंपटीशन है। अगर वो 100 करोड़ चढ़ाते हैं तो आपको 200 की व्यवस्था करनी पड़ती है, अगर वो 200 करोड़ चढ़ाते हैं तो आपको 400 की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर गोल्ड माइन है, और अगर मैं नहीं करता हूं, वो गोपाल दास है बिल्डर, वो करेगा, वो नहीं करेगा तो कोई और। बिकॉज बेटा, ये जो गीद लोग ऊपर बैठते हैं ना, ये गीद लोग ऊपर जाके देखते हैं हेलीकॉप्टर में कौन से प्लॉट्स खाली है, एक गीद की दृष्टि से हेलीकॉप्टर से शॉट ले लेते हैं, चलो भाई इसकी व्यवस्था की जाए। ये लोग स्वयं पैसा नहीं लगाते, ना अपना नाम लगाते हैं, ये तो सामने एक बोर्ड लगवा देते हैं हमारे जैसे बंदे का, और पीछे से इनकी सारी मिली भगत, वो कंप्लीट रेडी है, प्रपोजल रेडी, खरीदारी रेडी, बेचान रेडी, और उनका मुनाफा उनको टाइम पर उनके घर में पहुंचा दिया जाता है। पर डैड, मैं कह रहा था कि हमारा बिजनेस मतलब काफी अच्छा है, पर वो प्लेग्राउंड डैड मतलब मैं बहुत ही ज्यादा सेट है। अच्छा, मेरे को एक बार अटैचमेंट को, मैं तेरे लिए इस इतने बड़े यहाँ पे एक ग्राउंड बन रही है, अपनी सारी अटैचमेंट इसके साथ में रखना, और यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलना,
और गोलियां खेलना। डैड वो छोटे छोटे बच्चे वहां खेलते हैं डैड वो। तो क्या हो गया, सारा हिंदुस्तान पड़ा है उनके खेलने के लिए, तो क्या करूं मैं, धंधे का काम करूं कि ओ, अगर मैं अगर गोपाल दास बना रहा होता तुम उसको बोल सकते थे जाके कि ये मतलब तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी बात को नहीं। तुम किसी और बिल्डर को जाके बोल सकते हो यहाँ पे मत बनाओ डैड वो, नहीं पर अभी तो आप बना रहे हो ना सर। अरे बेटा उसमें 400 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, 400 करोड़ रुपया झाड़ पे किसी के भी नहीं लगा हुआ, ये कमा के देना पड़ता है सामने और एडवांस में देना पड़ता है, तब जाके वो जगह एनओसी मिलती है, तब जाके वो जगह खाली होती है। और इसमें ये बात समझ ले अभी ध्यान से, अब मैं तुमको एक और चीज बता देता हूं, इस पे अंडरवर्ल्ड वालों की भी बहुत नजर थी। तो मंत्री जी ने बोला कि देखो इससे पहले कि वो हथिया लें ये जगह, आप इसका जल्दी से टेंडर निकालो और पैसे भर दो। अगर मैं नहीं करता ना बेटा, कोई गलत आदमी इसमें पैसा डाल देता तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता, ये अपना देश का नुकसान है बेटा। इसलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह है ना, वो हमको क्यों आगे करते हैं, ताकि हम अपने देशवासियों के लिए अच्छी जगह बनाए और इसको अपने देश के धन को देश में ही रखें। वो तो काले वाले हैं, वो तो कहीं भी ले जाएंगे उठा के, लेकिन हमें अपने देश का ये रक्षा करनी है। और डैड मैंने उन लोगों को प्रॉमिस किया कि क्या पड़ा कि वो मैं मना लूंगा। तू किस बेस पे प्रॉमिस कर सकता है किसी को भी, बच्चों को क्या, बच्चों को ये प्रॉमिस करो कि तुम लोगों के लिए 2-3 माइल आगे ना एक छोटी ग्राउंड है। सुनो मेरी बात, ऐसे रोने वोने से कुछ नहीं होता दुनिया में डैड। लेकिन वो फिर वहां से उतनी दूर कहां खेलने जाएंगे डैड वो? मैं उनका रास्ता बना दूंगा। सुनो मैं उनके लिए, कितने 50 बच्चे हैं, एक बस हायर कर लेंगे महीने के लिए, वो रोज शाम को बस वाले उनको बिठा के वहां ले जाएंगे और 6 वापस ले आएंगे। उनके साथ में उनके माँ बाप का कोई भी तो सुरक्षा के लिए जाना पड़ेगा, वहां पे खिला के बच्चों को रोज ले आएंगे। लेकिन बेटा इस प्रोजेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, राइट टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं करूंगा ये टेंडर किसी और के पास, वो 400 करोड़ तो मेरा डूब जाएगा नंबर वन। दूसरा जो आदमी इसको उठाएगा वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं तो फिर भी बच्चों के लिए व्यवस्था कर रहा हूं, कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा उसमें लगाव है, बच्चों में तुम्हारा नाम होना चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा बेटा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सिवाय मेरे अब और कोई नहीं बनाया, ये मेरा है, मुझे ये करना ही करना है, हर हालत में करना है। समझ गया बेटा? तुम भी अभी आगे इमोशंस को छोड़कर बिजनेस में ध्यान दो, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई और करेगा, ये होना तो है। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त दृष्टि है लोगों की, समझ गया बेटा? अब उनको किसी चीज का वादा नहीं करो, उनके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। वो जो जगह मैंने देख रखी है ना थोड़ी दूर है, वहां पे मैं थोड़ा सजावट करके उन लोगों के लिए खेलने की व्यवस्था कर दूं, ठीक है कि नहीं? आप तो खुश हो, ठीक है? चलो अभी धंधे पे ध्यान दो, अपने कैबिन में बैठ के इसी के प्लान्स और आर्किटेक्ट लेके आ रहा है, उसको देखो अच्छी तरह। ऑलराइट, ओके, टेक केयर।